तो ये हमारी गर्मा गर्म पकौड़ी वाली कढ़ी बनकर हो गई है तैयार। इसे ट्राई करके देखिए, अगर कोई सब्जी खाने का मन ना हो इसे ट्राई कीजिए, ये खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो पकौड़े वाली कढ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए पकौड़े बनाने हैं, ओके। तो उसके लिए यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी में की आपको पकौड़ियां बनानी है उतनी क्वांटिटी में आप बेसन को ले लें। देन हम इसमें ऐड कर देंगे स्वादानुसार नमक, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे रेड चिल्ली पाउडर अगर आप खाते हो तो। इसका पेस्ट बना लेना है जिससे हमें पकौड़े बनाने हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और पकौड़े का जो से घोल बनता है वो घोल हमें बनाकर रेडी कर लेना है। पकौड़े बनाने के लिए हमने पेस्ट रेडी कर लिया है। इनको और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हींग और इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक हमें इसे रख देना है। कढ़ी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 3 चम्मच दही और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 स्पून बेसन एंड इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा हींग, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर एंड थोड़ा सा गरम मसाला एंड हम इन्हें अच्छे से अब हमें मिक्स कर लेना है। दही को और बेसन को अच्छे से मिक्स कर ले ताकि हमारे जो दही में है वो गुठले ना रहे, दही एकदम स्मूथ बेसन के साथ मिक्स हो जाए। दही में थोड़ा पानी ऐड कर देंगे और हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, पानी दही बेसन को। फ्रेंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारा दही बेसन और सारे जो मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से इसके साथ मिक्स हो गए हैं। अब हमें इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक रख देना है और तब तक हम कढ़ी के लिए पकौड़े रेडी कर लेते हैं। पकौड़े आप चम्मच से भी डाल सकते हैं या आप इसमें हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको छोटे छोटे पकौड़ियां बना लेनी है। फ्रेंड्स अगर आप प्याज वाली पकौड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंपल पकौड़ी की कढ़ी आपको खानी है तो आप ये सिंपल वाले बेसन के साथ इसे पका लें। तड़का लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे जीरे का, काली सरसों एंड रेड चिली अगर आप खाते हो तो। अब ये सारा पेस्ट हमें तेल के साथ डाल देना है और इसे कंटिन्यू हमें चलाते रहना है। फ्रेंड्स इसे ना हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, अगर हम छोड़ेंगे तो दही फट जाएगा, इसलिए इसे जब तक इसमें बॉयल आना शुरू ना हो जाए इसे हमें चलाते रहना है। फ्रेंड्स अगर आपको दही के साथ बेसन मिलाने के बाद लग रहा है कि दही गाढ़ा है तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर ले, क्योंकि कढ़ी जो होती है वो पतली होती है और जैसा कि हमने दही के साथ में बेसन का इस्तेमाल किया है तो बेसन पकने के बाद गाढ़ा होता है, इसीलिए हमें दही के साथ जब बेसन मिलाएंगे उस समय तो हमें इसे पतला करना ही है, लेकिन जब आप दही और बेसन को जब छौंक डालते हो तब भी आप अगर देख रहे हो कि आपका दही का घोल जो है वो हार्ड है, गाढ़ा है, तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर लें। फ्रेंड्स जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारी कढ़ी उबलना शुरू हो गई है, देख रहे हो आप दही ये फटा नहीं है हमारा क्योंकि हमने कंटिन्यू इसे चलाया है। ये खाने में बहुत ही अमेजिंग लगती है, इसे हम राइस के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और इसे पराठे के साथ में भी, पराठा, राइस, कढ़ी या इसके साथ आप थोड़ी सी आलू की सूखी सब्जी बना ले तो इसका टेस्ट ऑफ माई बहुत टेस्टी होता है। और फ्रेंड्स इधर हम देख पा रहे हैं हमारे पकौड़ियों का भी कलर हो गया ब्राउन, यानी कि ये सिक चुकी हैं, पर इन्हें हमें थोड़ा सा और ब्राउन होने के लिए छोड़ना है, ओके। फ्रेंड्स ये हमारी कढ़ी बनके हो गई है तैयार, इसे हमें अब अलग से किसी बर्तन में या किसी बाउल में निकाल लेना है। अब ये गर्मा गर्म पकौड़ियां हम ऐड कर देंगे हमारी कढ़ी के अंदर।